असलम वेलकम बैक टू माई चैनल आज की वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास है जो लोग वेट कम करना चाहते हैं डाइट करते हैं लेकिन रोटी नहीं छोड़ सकते और रोटी के बग़ैर उनकी ज़िंदगी अधूरी लगती है तो ये रोटी आप आराम से ले सकते हैं लंच में और अगर आप जिस दिन लंच में लेंगे उस दिन डिनर में नहीं लेंगे तो एक दिन में एक बार आप ये रोटी ज़रूर ले सकते हैं और इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा बल्कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी और आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी इसमें कुछ हर्ब्स शामिल करेंगे जिससे इसमें चार चाँ लग जाएंगे मैंने लिया है हल्दी नमक मेथी दाने को मैंने कूट लिया है ज़ीरा अजवाइन काली मिर्च का पाउडर लिया है मैंने थोड़ा सा और अलसी के बीच मैंने एक चम्मच बारीक पीस लिए हैं बेसन का आटा लिया है एक कप जौ का आटा मैंने लिया है एक कप चक्की का लाल वाला आटा चौकर के साथ मैंने लिया है दो कप और मैंने किनवा लिया है जो घर में ही पीस लिया है आधा कप अब मैंने इन चार तरह के आटे को एक साथ मिक्स किया है और सारे मसाले भी इसके अंदर शामिल कर दिए हैं अब मैंने बिल्कुल थोड़े थोड़ा पानी डालने के बाद इसको गूंध लिया है बहुत कम पानी डलेगा वरना ये नरम हो जाएगा अब मैंने जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूनते हैं उसी तरह से इसको गूँध लिया है और गूनने के बाद मैंने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक रेस्ट दिया है ये इतना आटा है कि आपकी चार रोटियां छोटी इससे आराम से बन जाएंगी मैंने एक तीस ग्राम का छोटा सा पेड़ा यहाँ पे बना लिया है अब इसको मैंने आराम से बेल लिया बेलने में भी कोई मसला नहीं हुआ ये चिपका भी नहीं और मैंने इसको फिर नॉर्मल रोटी की तरह से सेक लिया है अब इस रोटी को आप किसी भी सब्ज़ी किसी भी सब्ज़ी या सारन के साथ ऑयल हटाने के बाद आराम से खा सकते हैं इसके साथ सलाद भी लाजमी लीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा आपका एक महीने में काफ़ी वज़न कम हो जाएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग